Hello students of class 6, good morning. I am Mallik. I am going to continue the revision of lesson 6, right? Changing around us, right? इस चैप्टर में लगभग हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं और थोड़ा बहुत बचा हुआ है. दो टॉपिक है जिसको मैं आपको आज डिस्कस करके ये चैप्टर फिर से मैं फिनिश करूंगा, ठीक है? तो चेंजेस कॉज बाय प्रेशर, बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें प्रेशर, प्रेशर मतलब दबाव, ठीक है, प्रेशर के कारण से होते हैं, ठीक है? तो जैसे कि बलून लीजिए आप, है ना, उसको आप इन्फ्लेट करिए, उसमें मतलब इन्फ्लेट करने का मतलब उसमें हवा भरिए, ठीक है, और हवा भरने के बाद वो हवा भर लेते हैं, फिर उसका मुंह बंद कर दीजिए. तो अगर आप उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, है ना, प्रेशर उस पर दबाव डालते हैं, वो डिफॉर्म हो जाता है, मतलब उसका शेप और साइज जो है बदल जाता है, ठीक है? या घर में भी कोई स्पॉन्ज है तो देखिए उसका एक अलग साइज होता है, क्यूबिकल साइज होता है, पानी में भिगो दीजिए या वैसे भी आप उसको कस कर दबाइए तो उसका शेप जो होता है, शेप भी चेंज हो जाता है और उसका जो साइज है वो भी चेंज होता है, ठीक है? तो ये कुछ चेंजेस है जो प्रेशर के कारण से होते हैं, है ना. दीज चेंजेस अकर ड्यू टू द प्रेशर, है ना, या आप कह सकते हैं इन सारे चेंजेस के पीछे प्रेशर एक कारण है, ठीक है? या फिर अब देखिए एक कोई बॉल है, फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल पहले से पिछड़ा हुआ, उस पर अगर आप हवा भर रहे हैं तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसका शेप बढ़ जाता है. फिर अगर उसको कस से दबाते हैं उसकी हवा अगर निकल जाएगी तो फिर से उसका शेप और साइज बदल जाता है. तो ये जो प्रेशर है इसके कारण से उसका शेप और साइज बदल जाता है. जो चेंजेस हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू अप्लाइंग प्रेशर द चेंजेस दैट हैपन इज अकर्ड, जो चेंजेस हो रहे हैं वो अकर करते हैं. दूसरा है चेंजेस कॉज बाय मिक्सिंग, बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में आप मिक्स करते हैं तो होता है. बहुत कॉमन एग्जांपल है जो हम आप अपने घरों में भी देखते हैं, ठीक है. अब शुगर के क्रिस्टल्स को लीजिए, शुगर को लीजिए, चीनी को लीजिए, आप शरबत बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसको पानी में डालते हैं तो कुछ देर के बाद क्या होता है, वो शुगर जो होता है आपको दिखता नहीं है, ठीक है, शुगर दिखता नहीं, गायब हो जाता है, मतलब शुगर का शेप और साइज चेंज करते हैं. हुआ? तो आप पीछे के लेसन में पढ़ा होगा कि कैसे सेपरेट कर सकते हैं उसको, अगर उस शरबत को अगर फिर से जो सोल्यूशन बना आपका उसको अगर आप फीट करिएगा तो सारे सेपरेट कर जाएंगे, फिर से आपको शुगर के क्रिस्टल मिल जाएंगे. तो ये चेंज जो आप देख रहे हैं वो रिवर्सेबल चेंज, ठीक है, ये रिवर्स होता है, रिवर्स बैक होता है. और भी चेंज है, जैसे आपको बाजार से लोग जब दीपावली या इन सब लोगों पर जब अपने घरों में पुचारा करते हैं बाजार से चूड़ा खरीद के लाते हैं, ठीक है, बाजार से चूड़ा खरीद के लाते हैं उसको क्विक लाइम कहते हैं, एक्चुअली वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है. जब पानी में उसको डालते हैं तो क्या होता है, घुल जाता है, तो घुलने के बाद है ना जो भी लिक्विड बनता है उसको स्लेक लाइम कहते हैं, एक्चुअली वो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है. हाँ, हालांकि ये इरिवर्सिबल चेंज है, उसको हम फिर से वापस नहीं कर सकते, फिर से चूड़ा में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है. तो सूर्य कैन से जैकेट इरिवर्सिबल चेंज स्वयं क्विक लाइम इज मिक्स, ये सर तो चूंकि इरिवर्सिबल है तो क्या है, केमिकल चेंज, ठीक है. और जो पहले वाला था बलून वाला केस जो था, जैसे ही आपने प्रेशर हटाया बलून फिर से अपने सेल में आ गया, जैसे किसी चीज पर आप प्रेशर हटा दिया तो फिर अपने ओरिजिनल पोजिशन में या अपने ओरिजिनल सेल को रिगेन कर लेता है, वो क्या हुआ, रिवर्सिबल चेंज हुआ, इसलिए वो फिजिकल चेंज है. लेकिन ये केमिकल चेंज पहले से आपको पता है कि ये रिवर्स नहीं कर पा रहा है रिवर्सिबल कंडीशन. तो इस तरह से ये चैप्टर आपका खत्म हुआ. तो इसमें आप जो मैथ पढ़ा रहे थे उन्होंने आपको क्वेश्चन आंसर दिया होगा आपने, आप उसको रिवाइज करिए. नेक्स्ट डे जब भी मेरा लेक्चर होगा तो आपको लेसन नंबर 7 का रिविजन में स्टार्ट करूंगा, लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स, राइट. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.